अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूवर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको लेके जा रहे हैं नॉर्थ टाउन फेस टू। अच्छा, ये है चुंगी स्टॉप, जो कि 4 के चौरंगी से आप अगर साइमर बिन विलास की तरफ आते हैं तो सीधा जब आप आगे आएंगे तो ये मस्जिद आती है। ये उल्टे हाथ पर जो रोड जा रहा है ये मंगो पीर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से सीधे हाथ की तरफ जो रोड जा रहा है वो हब डैम की तरफ जा रहा है। ये हब रिवर रोड भी कहलाता है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेस टू यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर है। जी व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेस टू। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये सैलानी टावर्स के नाम से तैयार हुई है, जीएफएस वालों ने ही तैयार की है। ये इनका पहला एंट्रेंस है यहाँ से। अच्छा जी, हम कहाँ हैं अभी? ये हमारा ऑफिस है यहाँ। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, मैं पकड़ लेता हूँ और आपको वीडियो अच्छी मिल जाएगी। ओके ओके सर, ये 200 फीट रोड है जो अंदर यूनिवर्सिटी को जा रहा है। ठीक है ठीक है, आगे सुपर है, वहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास पे मिल जाएगा ये वाला रोड। आगे जाके यहाँ से अगर आप हमारे ऑफिस से उल्टे हाथ पे जाएंगे तो मंगोपीर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक 1 है, ये लिखा हुआ है। ये ब्लॉक 2 है, ये लिखा हुआ है। ये ब्लॉक 3 है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 200 फीट रोड मेन रोड होने की वजह से 1, 2, 3 बुक हो चुका है। इसमें मुश्किल से कोई एक चीज़ निकली तो निकलेगी, वरना है नहीं हमारे पास। उसके बाद आ जाएं आप ब्लॉक 4, ये ब्लॉक 4 लिखा हुआ है। ब्लॉक 4 से यहाँ पे साइमा रेंचेस, एक साइमा वाले एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं साइमा रेंचेस के नाम से, वो इस तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हमारा थोड़ा सा हॉट हो गया, क्योंकि साइमा करीब आ रहा है तो ये भी बुक हो चुका है। NTR से मिल रहा है, आगे पीछे NTR 1 से मिलेगा, जो इसकी जो ग्रीन बस का स्टॉप बना हुआ है ना। जी, वहाँ निकलेगा, वहाँ निकलेगा पावर हाउस, समझ रहे हैं आप। मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ, ये रोड आपका नहीं, मैं वीडियो के लिए बना रहा हूँ। ये रोड आपका पावर हाउस जाएगा जो ग्रीन बस के आखिरी स्टॉप की तरफ निकलेगा। ठीक है, सुरजानी वाले रोड की तरफ। अच्छा, फिर अब ये आ गया 4 के बाद 5 आ गया, उसके बाद ये 6 है, ये ब्लॉक 1 का एक्सटेंशन है। ये बुलान ब्लॉक है हमारा, ये देखें लिखा हुआ है बुलान ब्लॉक, ये बुलान ब्लॉक है सारा। ये फेज 1 और ब्लॉक 1 का एक्सटेंशन है। यहाँ पे 80 गज है, ये 120 गज। पिंक वाले जितने भी हैं, गुलाबी वाले जितने भी हैं 120 गज है, ऑरेंज वाले जितने भी हैं वो 80 गज है। ठीक है, इसमें सारी कटिंग ऐसी हुई है। यहाँ पे होगा 80 और 120 गज। ये पूरा ब्लॉक 100 गज का है हमारा। अच्छा, ये पूरा ब्लॉक 100 गज का है। ये किस नाम से? बोलान एग्जेक्टिव कॉर्नर, एग्जेक्टिव बोलान कॉर्नर कुछ भी कह लें। उसके बाद आ गया मेहरान ब्लॉक, मेहरान ब्लॉक 1, मेहरान ब्लॉक 2, ये हमारे 80 और 120 के ब्लॉक है। सिर्फ ये ब्लॉक हमारा 100 गज का कमर्शियल वो है। सेंटर में ही आ गया। इस तरह से हमारा फेज 2 है। फेज 2 का ये भाई आपके भाई पकड़ के खड़े, ये फेज 2 है हमारा। ठीक है, बंद कर दो, ये और कुछ पूछना है हमने। अच्छा, ये फेज 2 का आपका ऑफिस हो गया, हम यहाँ खड़े हुए हैं अभी। ठीक है, सोसाइटी का ब्लॉक 2 है, नॉर्थ टाउन फेज 2 का साइड ऑफिस है ये फेज 2 का। ये ब्लॉक 2 है जिसकी, ये ऑफिस ब्लॉक 2 में ही है, और ब्लॉक 3 आपका रोड क्रॉस कर गया शायद। सामने ब्लॉक 3 है, ये जो खम्बा नजर आ रहा है बिजली का, ये ब्लॉक 3 है। इससे पहले रोड के पास, और जो बराबर में जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ये सैलानी अपार्टमेंट है। अच्छा, सैलानी अपार्टमेंट नहीं है, तकरीबन तैयारी नजर आ रही है। सही है, ये रोड है हमारा ये। अच्छा, ये हब रिवर से आ रहा है, ये हब रिवर रोड ही कहलाता है, हब रिवर रोड है। किसी का रोड आपको नॉर्दर्न बाईपास अंबेडकर यूनिवर्सिटी वगैरह ले जाता है। ठीक है, और यहाँ से ये मंगोपीर तरफ जा रहा है सीधा। अगर आप यहाँ पे चुंगी से राइट लेफ्ट हैंड ले लोगे तो सीधा आप मंगोपीर गर्म चश्मा। ये चेस का टैग लगा हुआ है यहाँ पे, चेस बनेगा बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर को। अच्छा, चेस यहाँ आ रहा है। अच्छा, जबरदस्त। इसके बिहाइंड जो है जो आप देख रहे हैं, ये सारे रेजिडेंशियल 120 गज के प्लॉट हैं हमारे, जो रेडी टू पोजीशन है। सैलानी टावर है, सैलानी पेट्रोल पम्प भी हम ही लोगों ने ऑन किया, सोसाइटी का पंप ही आपका। अच्छा, जबरदस्त। फिर सोसाइटी का मेन इंटरेस्ट भी है।
बन रहा है हमजा टावर के नाम से। हमजा टावर यहाँ से ब्लॉक वन के रेजिडेंशियल प्लॉट शुरू होते हैं 120 गज के जो रेडी। अच्छा, ब्लॉक वन में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, यानी यह पोजीशन देना स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने। ब्लॉक वन नॉट टाउन फेस टू, ये सारे 120 गज के प्लॉट हैं। अच्छा, लेफ्ट राइट दोनों बाउंड्री के बाहर बराबर में अंदर जो अफसर कंपनी वर्ल्ड वाइड जो वो अफसर जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, और अंदर की जितने भी लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन बनती है वो यहाँ बनती है। ये मस्जिद है ब्लॉक की, ये भी आवाज़ है माशाल्लाह। अच्छा, मस्जिद साइमा है, साइमा के नाम से रखती है हमने नाट पास। अच्छा, यहाँ स्कूल बनेगा, ये पार्क है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से जो है हमारे एल कैटेगरी 80 गज के ब्लॉक वन के प्लॉट शुरू हो गए। अच्छा, ये भी ऑलमोस्ट जो है रेडी टू पोजीशन पर, ये भी उसमें सेविज का काम कंप्लीट होने के बाद। अच्छा, शाहिद खान क्रिकेट अकेडमी स्टेडियम आपका जो है सोसाइटी के अंदर, ये काला पहाड़ देख रहे हैं आप? जी जी जी, शाहिद खान क्रिकेट अकेडमी। अच्छा अच्छा, यहाँ से 80 गज की कैटेगरी शुरू हुई है आपकी। 80 गज पे हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं और 80 गज भी यहाँ पर आके इनअप हो जाता है हमारा। अच्छा, उसके बाद ये जो ढलान उतर रही है जी, यहाँ से अगेन 120 गज के ब्लॉक वन के प्लॉट शुरू हो जाते हैं, और इस पहाड़ के सामने जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है यहाँ पे आके ब्लॉक वन कम्प्लीट हो जाता है। सराउंडिंग का मैं एरिया बताऊँ, वो दूर दो मीनार देख रहे हैं आप? जी जी, वो आगे नजर आ रहे हैं, साइमा अरेबियन की मस्जिद है। अभी आप वापस भी जाओगे रोड से नजर आ रहा है, ठीक है। एक दो तीन, तीसरा हाईटेंशन जो ऊंचा सा पहाड़ के ऊपर लगा हुआ है, ये पहाड़ कटने के बाद हमारा एक्सिस जोन होता है जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सरजानी अब्दुल्ला मोड़ पावर हाउस से, ये एक्सिस होगा हमारा। अच्छा, सोसाइटी के बीचों बीच 200 फीट चौड़ा रोड होगा। सही। ये इसकी दो वजह है, एक तो रोड इम्पोर्टेंट है, दूसरा फिर हाईटेंशन के नीचे किसी किस्म का रेजिडेंशियल वैसे भी अप्रूव नहीं करते वो लोग, तो एज इट इज इसके नीचे रोड बनेगा जो आपका वहां से चल। ये ब्लॉक टू है, नॉट टाउन फेस टू का ब्लॉक टू, काम की पोजीशन आप यहाँ देख सकते हैं। वैसे पानी, बिजली, गैस, सीवरेज का काम यहाँ पे हो रहा है जो कि मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। नॉट टाउन रेजिडेंसी फेस टू का ब्लॉक वन, ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री मेन रोड के बिल्कुल साथ है। नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज टू में 80 गज का प्लॉट अभी बुक हो रहा है 25 लाख, 100 गज का प्लॉट 28 लाख, 30 लाख, 32 लाख लोकेशन वाइज, 120 गज का प्लॉट 30 लाख रुपए से लेके 36 लाख रुपए तक का बुक हो रहा है। इसकी तमाम पेमेंट आपको 5 साल के अंदर अंदर अदा करनी है, डाउन पेमेंट कम से कम 3 लाख रुपए अदा करनी होगी। ब्लॉक वन, ब्लॉक टू और ब्लॉक थ्री में अभी 2 लाख रुपए ऑन चल रहा है, क्योंकि ये रोड के बिल्कुल साथ है तो तकरीबन तमाम प्लॉट सेल हो चुके हैं। अगर रीसेल में मिलेंगे तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ऑन है इनके ऊपर। सामने जैक्सन मार्केट के नाम से ब्लॉक का कमर्शियल है जो आपका जैक्सन पे बनी हुई है, 20 गज के प्लॉट है ब्लॉक वन के, ब्लॉक वन इधर आके कंप्लीट हो जाता है। इसके बिहाइंड जो है हमारा बोलान ब्लॉक है। अच्छा, ब्लॉक वन चल रहा है सारा जो पास अभी यहाँ तक आ रहा है, खत्म हो गया। ये बीच में लिंक रोड आ गया है, ये मैं दिखाता हूँ। ये पैटर्न अभी हम लोगों ने तैयार करा है 100 फीट रोड के हवाले से, ये सब डिमोलिश कंडीशन में, ये सारा ये सब पहाड़ वहाड़ कटेगा तो उसके बिहाइंड भी सारा काम चल रहा है हमारा। हाँ, बीचों बीच आ जाएंगे, एक पैटर्न ये बना हुआ है। काला पहाड़ जिस पे बाउंड्री नहीं लगी हुई है सारा स्टेडियम में आएगा। अच्छा, यहाँ स्टेडियम बनेगा, प्लॉट ये पहाड़ रिमूव हो जाएगा। जी हाँ, ये ब्लॉक 5 एक्सटेंशन की बाउंड्री है, ये जो नीचे ग्राउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट वगैरह, ये ब्लॉक 1 एक्सटेंशन है हमारा। सही सही। फ्रंट जो ये खड़ी बेल्ट चल रहा है ना सर, जी जी सामने कमर्शियल है, ये वाला। अच्छा, ये कमर्शियल, ये कमर्शियल है। अच्छा, इसके बाद वो सोसाइटी का रोड है। हाँ हाँ, इसके बाद जो कंक्रीट वगैरह डिकिंग में हुए हुए अंदर स्ट्रीट वगैरह बनी हुई, ये ब्लॉक 1 एक्सटेंशन के 120 गज के प्लॉट है। अच्छा अच्छा, आगे 80 गज है, राइट हैंड पे ये सारा बोलान ब्लॉक है आपका। अच्छा, राइट पे बोलान चल रहा है हमारा।
स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, काम फैला के नहीं चल रहे। तो इस हवाले से ये सारा जो है ना अभी यहाँ पे मशीनरी लाने के लिए ट्रैक बन रहा है। ये सारा पहाड़ था, ये सारा पहाड़ था, इसकी सबसे बड़ी निशानी है जो रूम ऊपर बना हुआ है। मैं देख लें सारी जमीन जो है यहाँ पे सब पहाड़ अभी हम लोगों ने काटे साफ करे। ये बोलान ब्लॉक है सीधे हाथ पे, और ये सीधा रोड सुरजानी टाउन से कनेक्ट होगा इन फ्यूचर। ये सामने जो आपको काला पहाड़ नज़र आ रहा है, ये शाहिद खान क्रिकेट अकेडमी बनेगी यहाँ पर फ्यूचर में। और ये सामने सीधा रोड जो बाहर जा रहा है हमदर्द यूनिवर्सिटी वाला रोड से, हब रिवर रोड जो कहलाता है, वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट्स करें और हमसे राब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।